कैसे हैं आप? आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के एक छोटे से पॉइंट को जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंडियन सिटीजन को देने की बात की गई है, उसे अलग अलग टाइप के राइट्स प्रोवाइड करवाने की बात की गई है और फंडामेंटल राइट भी उसी राइट्स में से एक है और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किया गया है और अगर मैं आर्टिकल वाइज अगर मैं देखूं तो फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 में अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीजों को डिस्क्राइब किया गया है और अलग अलग राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसमें से दो राइट, फर्स्ट टू राइट्स आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13, ये दो राइट फंडामेंटल राइट को एक तरह से डिस्क्राइब करने का काम करता है, जिसमें आर्टिकल 12 डिफिनेशन की बात करता है। अगर मैं आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट के डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डिफिनेशन में नॉर्मली आप ये रखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सोशल लाइफ। फंडामेंटल राइट सोशल लाइफ को क्लेम करने की बात करती है, यानी कि आपके लिए जैसे सोशल लाइफ होने चाहिए फंडामेंटल राइट आपको वो प्रोवाइड करवाती है। सिर्फ सोशल लाइफ ही नहीं, अब रही बात की फंडामेंटल राइट अगर सोशल लाइफ प्रोवाइड करवाती है तो किससे मैं मांगू अपने फंडामेंटल राइट को, हम किससे मांग सकते हैं? फंडामेंटल राइट को हमेशा स्टेट के एक्शन के अकॉर्डिंग और उसके अगेंस्ट यूज किया जाता है। अगर स्टेट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, या स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाए जो आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट बाय कोर्ट कोर्ट में जाकर आप उसके अगेंस्ट अपना हक मांग सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट ना करे। कोई मतलब ओनली स्टेट, सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट आप जा सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पब्लिक या प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं, नॉट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 इन्हीं दो चीजों को डिस्क्राइब करती है। आर्टिकल 12 ने डिफिनेशन दिया कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। नॉर्मली आप ये समझ लें कि फंडामेंटल राइट वैसे राइट होते हैं जिसको कभी भी वायलेट नहीं किया जा सकता है, और अगर उसे वायलेट किया जाएगा बाय स्टेट तो कोर्ट उसे इंश्योर करती है कि वो एट ए टाइम उसको न्याय मिले और उसको प्रोवाइड करवाए जाए, उस तरह के उसको रेमेडीज दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट किया जाता है किसी तरीके से स्टेट के द्वारा, चाहे वो कोई लॉ बनाकर या कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एडवाइजरी देकर अगर फंडामेंटल राइट को, किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को, और एक चीज और ध्यान दीजिए कि सिर्फ सिटीजन की बात नहीं की जाती है, फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। कौन से नॉन सिटीजन? वैसे नॉन सिटीजन जो अभी प्रेजेंट में हमारे कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी हैं। अगर कोई फॉरेन पर्सन, अगर कोई किसी और कंट्री का पर्सन अगर हमारे कंट्री में आता है और उसके अगेंस्ट अगर कोई चीजें ऐसी होती है जिसमें फंडामेंटल राइट की बातें हो रही है, वो उसे भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उसको भी सिक्योर किया जाता है। तो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कोर्ट ये इंश्योर करती है कि हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट ना किया जाए स्टेट के द्वारा, चाहे वो कोई एडवाइजरी जारी करके, कोई नोटिफिकेशन या कोई लॉ बनाकर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से। अगर स्टेट कोई लॉ बनाकर या किसी और तरीके से अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का काम करती है तो ये कोर्ट के पास पावर है कि वो उस लॉ को, उस इंस्ट्रक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सके। अब अगर मैं फंडामेंटल राइट के अगले पार्ट की बात करूं तो फंडामेंटल राइट को हम लोग
क्लासिफिकेशंस देते हैं। मेनली फंडामेंटल राइट को छह पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिक्स क्लासिफिकेशंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, जिसमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें से ये सारे के सारे राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। आज हम लोग एक टॉपिक की बात करेंगे, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो एक चीज कॉमन है इसमें। नॉर्मली हम लोग जब क्लासिफाई किए अलग अलग पॉइंट को अलग अलग तरीके से, तो उसमें जब राइट टू इक्वालिटी की बात होती है तो इक्वालिटी अपने आप में ही सब कुछ डिस्क्राइब कर देती है इस राइट्स का, जिसमें राइट टू इक्वालिटी को टोटल पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि टोटल फाइव आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, जो राइट टू इक्वालिटी को डिस्क्राइब करता है पॉइंट बाय पॉइंट। जिसमें से अगर हम सबसे पहले आर्टिकल आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 आपके इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग केसेज में अलग अलग तरीके से इस इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ का मतलब होता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इंश्योर किया जाए, आर्टिकल 14 ये इंश्योर करती है कि हर किसी को के साथ इक्वालिटी, हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, हर कोई इक्वल हो। इक्वल मतलब कैसे, एक चीज और मैं बताता हूं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 ये दोनों अपने आप को कोऑर्डिनेट करता है। तो अभी मैं फिलहाल आर्टिकल 14 की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा इक्वालिटी। इक्वालिटी में किस तरह की इक्वालिटी, किस कैसी इक्वालिटी, एवरी टाइप ऑफ इक्वालिटी। आप जिस भी तरीके से इक्वालिटी को सोच सकते हैं बाय द लॉ, जो लीगल हो, इलीगल नहीं हो, जिससे किसी और के राइट का वायलेशन ना हो, उस तरीके से आप जितने भी तरीके से इक्वालिटी को सोच सकते हैं वो सब आर्टिकल 14 आपको प्रोवाइड करवाती है। एक अभी रिसेंटली एक बिहार का केस रहा है, एक केस है नियोजित शिक्षक संघ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक्चुअली इस केस को बताने का मकसद ये है कि आप ये समझ सकें कि इक्वालिटी और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ का प्रॉपर मतलब क्या है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस नियोजित शिक्षक संघ का जो केस था, उस केस का बेसिक मोटिव था इक्वालिटी। बिहार के जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा उनको नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचिंग के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग के लिए उसे अपॉइंट करने के बाद उसे एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लिया गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे जिसके अकॉर्डिंग कुछ सैलरीज फिक्स किए गए थे कि यह सैलरी आपको मिलेंगे और इतने टर्म के लिए आप हमारे पास टीचर हैं। आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया जा सकता है या विड्रॉ किया जा सकता था, ये राइट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास अवेलेबल थे। इस केस में आगे जाकर नियोजित शिक्षक संघ ने एक क्लेम किया कि अगर मैं भी उतना ही वर्क कर रहा हूं, यानी कि नियोजित शिक्षक संघ भी टीचर स्कूल में उतना ही वर्क कर रहा है जितना और दूसरे परमानेंट टीचर्स कर रहे थे, तो नियोजित शिक्षक संघ की यह मांग थी कि उनको परमानेंट कर दिया जाए और उनको भी सेम वही सैलरी
और वही सैलरी दिए जाए जो परमानेंट टीचर्स को दिए जाते हैं। और ये केस लेकर नियोजित शिक्षक संघ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अगेंस्ट वो पटना हाईकोर्ट गई। पटना हाईकोर्ट ने ये कहा कि हाँ ये सही है और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन कि अगर कोई पर्सन इक्वल वर्क कर रहा है तो इसे इक्वल पे मिलने चाहिए। तो पटना हाईकोर्ट ने उसे आर्टिकल 14 का वायलेशन कहा और फैसला नियोजित शिक्षक संघ के पक्ष में सुनाया गया। अब इसके बाद बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने मूव किया सुप्रीम कोर्ट को। गवर्नमेंट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट गई पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करके। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को, जिसने ये कहा था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसको प्रॉपरली चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये राइट टू इक्वलिटी है हर किसी के पास, कि एक प्लेस पे वर्क करने वाले दो पर्सन को अलग अलग सैलरी नहीं देनी चाहिए एक पोजीशन पे होने वाले। बट ये मैटर कॉन्ट्रैक्ट का है और कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में बेसिक इक्वलिटी और राइट टू इक्वलिटी और आर्टिकल 14 के वायलेशन की बात नहीं होती है, और इस केस को डिसमिस कर दिया गया और नियोजित शिक्षक संघ ये केस हार गई। तो एक चीज हम लोग इजीली ये चीज कर सकते हैं कि इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ का मतलब बिल्कुल अलग अलग हो सकता है अलग अलग पॉइंट पे। जैसे अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर तरीके से हर चीज को इक्वल मांगे। अगर आपके राइट का वायलेशन हो रहा है, लेकिन अगर आपके राइट का वायलेशन अगर सपोज की बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अगेंस्ट जो केसेस थे उसमें कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार हमारे राइट को वायलेट कर रही है, हमें इक्वलिटी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, ठीक है, तो वहां पे मैटर कॉन्ट्रैक्ट का था, वहां पे इक्वलिटी का मैटर नहीं था। और कॉन्ट्रैक्ट में इक्वलिटी नहीं होती है। अगर ये मानकर अगर मैं चाहूं कि इसे 5 रुपए में भी सेल करता हूं और दूसरे पर्सन को यह मानकर मैं 10 रुपए में भी सेल कर सकता हूं, यह मेरी मर्जी हो सकती है। यह डिपेंड करेगा कि जो भी पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है वो इसके लिए एग्री है या नहीं है। अगर वो एग्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर चला जाए, और अगर वो एग्री है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। इसको आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं कहा जा सकता। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 15। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 15 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं राइट टू इक्वलिटी के। और अभी रिसेंटली एक मूवी भी आया है आर्टिकल 15, उस मूवीज में भी इसी डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। आर्टिकल 14 की जब आप बात करते हैं, आर्टिकल 15 की जब आप बात करते हैं तो आर्टिकल 15 डायरेक्टली ये बात बोलती है कि सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, इन सब चीजों के बेसिस पे, इन सारे पॉइंट के बेसिस पे किसी भी तरीके से किसी भी सिटीजन को या नॉन सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। किन किन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते हैं? कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इत्यादि। मतलब कि अगर दो पर्सन है, एक पर्सन को अगर ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए और दूसरे पर्सन के बारे में बोला जाए कि आप फलाने कास्ट के हो या आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हो या आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो, प्लेस ऑफ बर्थ आपका ये है तो आपको ये नहीं ये कंसिडर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोगों के मन में ये चीजें आ रही होंगी कि फिर अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो रिजर्वेशन का क्या मैटर है। कॉलेजेस में जब आपके लिए होते हैं कि महाराष्ट्र अपने लिए इतना परसेंट सीट डिसाइड करके रखती है,
बीएचयू अपने लिए इतना परसेंट सीट डिसाइड करके रखती है पहले से ही, या और भी गवर्नमेंट है, और भी स्टेट है, या और भी चीजें हैं जिसके लिए सीट इक्वली पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं कि हमारे सीट्स हैं या ये उनके सीट्स हैं। या जब आप रिजर्वेशन पे बात करते हो तो आप ये देखते हो कि इतना परसेंट इसे रिजर्वेशन दिया गया, इतना परसेंट इसे रिजर्वेशन दिया गया, तो फिर इक्वालिटी कहाँ आ रहे हैं आपके मन में? कई बार हमसे भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब मैं आर्टिकल 15 की बात करता हूँ कि सर डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा होता है। एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब नहीं होता है कि बिल्कुल एट ए टाइम हर तरीके से भी सेम कर दिया जाए, बराबर बराबर कर दिया जाए, उसको अलग थॉट में समझना पड़ेगा आपको। जैसे आप रिजर्वेशन की बात करते हो या जैसे आप किसी एडमिशन या सीट की बात करते हो कि फलाने इस स्टेट ने इतना परसेंट रिजर्व कर रखा है अपने स्टेट के लिए और इतना सीट इसके लिए है, ठीक है, तो उसमें आप डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हो। उसका रीजन होता है, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक केस था इंदिरा सामनी का, 1993 का एक केस था इंदिरा सामनी का, और जिसपे मंडल कमीशन बना था, उसपे सुप्रीम कोर्ट का कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी रहे थे, जैसे रिजर्वेशन को लेकर कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकते हैं, बट फिर भी कुछ एक दो स्टेट ऐसे हैं जहां पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा एक और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाया गया है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ईडब्ल्यूएस, जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। तो इन सब चीजों का ये मतलब नहीं होता है कि डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे हैं आपके साथ या किसी के साथ। इसका ये मतलब होता है कि जो जिन चीजों पर पहले से डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है उसे अपलिफ्ट करके बराबर करने की बात की जाती है, इसलिए आप उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझेंगे। तो आर्टिकल 15 की जो मैं बात कर रहा था इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ इटीसी। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 की जब मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। मैंने पहले भी कहा था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 दोनों इक्वलिटी की बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर ये इक्वलिटी की बात करता है तो ये भी इक्वलिटी की बात करता है, बट ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि अभी जस्ट ऊपर में मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां भी कहा जा रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट में, फिर आप कहेंगे रिजर्वेशन तो मैटर कर रहा है सर यहां भी। यस, रिजर्वेशन मैटर करता है, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको आर्टिकल 15 के मैटर में बताया था कि रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट के लिए यूज होते हैं, इसलिए उसको डिस्क्रिमिनेशन या राइट का वायलेशन नहीं कहा जाता है। मतलब स्टेट के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होता है कि वो अपलिफ्टमेंट के लिए या अलग अलग सोसाइटीज या वीकर सेक्शंस को इक्वल करने के लिए वो लॉ बना सकती है और उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 सोशल इक्वलिटी की बात करता है, सोशल इक्वलिटी। एक्चुअली पहले ये चीजें हुआ करती थी अनटचेबिलिटी, अलग अलग कास्ट के पर्सन अलग अलग लोगों से अनटचेबिलिटी, छुआछूत रखा करते थे, ये नीचे कास्ट का है या ये अपर कास्ट का है, तो छुआछूत, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी पे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, नॉन पर्सन हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े 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 काम किया उन्होंने, और अब जाकर बहुत हद तक खत्म हो गए हैं, ठीक है। बट आर्टिकल 17 भी सोशल इक्वलिटी की बात करती है, बट कैसे सोशल इक्वलिटी की बात करती है, अनटचेबिलिटी को बैन करके।
यानी कि छुआछूत के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन अगर किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, जैसे कई बार ये आते हैं, केसेज आते हैं कि किसी सर्टेन कास्ट के पीपल को इस मंदिर में नहीं जाना है या विमेन को इस मंदिर में नहीं जाना है, जैसे एक केस आप लोगों के सामने कुछ समय पहले नजर आए थे, सबरीमाला केस, आर्टिकल 17 का वायलेशन, सोशल इक्वलिटी बैनिंग अनटचेबिलिटी, एक तरह से इसको आप मान सकते हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन मान सकते हैं जिसमें इक्वलिटी की बात की गई है। सबरीमाला केस में भी सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया कि महिलाएं उस मंदिर में जा सकती हैं। तो इस तरह के आप केसेज आते रहते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन और जजमेंट भी आता रहता है। आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा कीजिए ताकि उसको हैंडल करने में आपको आसानी हो, आप हर रोज अवेयर रहें लीगल इंफॉर्मेशन से और कोर्ट के जजमेंट से, ताकि इन सब चीजों को आप और बेटर तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ रॉयल टाइटल्स की बात की गई है, रॉयल टाइटल्स जैसे प्रिंस, महाराजा, राजा, किंग, नवाब, इस तरह के जितने भी टाइटल्स होते थे, जो रॉयल टाइटल्स होते थे जो एक फैमिली के द्वारा मिलता रहता था, उसको एबोलिशन की बात किया गया कि वो टाइटल्स इंडिया में यूज नहीं किए जाएंगे, कुछ टाइटल को छोड़ के, जैसे जो नेशनल टाइटल होते हैं, जो नेशनल अवार्ड होते हैं, जो नेशनल अवार्ड होते हैं, उन चीजों को छोड़कर, जैसे एकेडमिक्स हो गए, मिलिट्री हो गए, इन सब जगहों पे, इन सब चीजों में जो अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो नेशनल हो या मिलिट्री को हो या किसी भी तरह के अवार्ड्स हो, उन सब चीजों को एवॉल्व करने की बात नहीं की गई है, जैसे पद्मभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, या मिलिट्री में बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे टाइटल्स मिलते हैं लाइक पीएचडी, डॉक्टर, डॉक्टरेट, तो इन सब चीजों को एवॉल्व करने की बात नहीं की गई है। मतलब अगर कोई पर्सन कोई टाइटल अर्न करता, चाहे वो एजुकेशनल हो, मिलिट्री हो या सोशल हो, सिविल हो, अगर कोई पर्सन इंडिया में टाइटल अर्न करता है तो उसको एबॉलिश करने की बात नहीं की गई। अदरवाइज बाकी जो भी पुराने टाइटल्स होते थे, जो रॉयल टाइटल्स, स्पेशली रॉयल टाइटल्स, उसके एबॉलिशन की बात की गई। आई होप कि आज आपको राइट टू इक्वलिटी और फंडामेंटल राइट का बेसिक समझ में आ गया होगा, और राइट टू इक्वलिटी को मैंने जहां तक डिस्क्राइब किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर राइट टू इक्वलिटी और फंडामेंटल राइट या किसी और टॉपिक में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइट टू फ्रीडम को डिस्क्राइब करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।